गाइस, वी आर बैक टू हॉस्टल। एंड यहाँ जो हॉस्टल के आसपास का एटमॉस्फेयर है ना, वो इतना अच्छा है कि मुझे रोक नहीं पाया कि आप लोगों के साथ मैं ये सब कुछ शेयर करूँ। एंड मैं इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को यहाँ का सब कुछ शेयर करूँगा, जस्ट ये बाहर का जो भी वातावरण है ना। एंड इसे मेरे साथ देखो, मेरा फ्रेंड है एंड ही इज़ हियर। हेलो गाइस, एंड नाउ स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, हम लोगों का हॉस्टल इधर से स्टार्ट होता है। एंड ये जो सामने वाला बिल्डिंग का हॉस्टल है ना, इसके जस्ट सामने एक अलग लेवल का पहाड़ है। ये बादल की चादर, ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, फलक तक चल। और गाइस, मेरा मोटो बस ये है ना, जस्ट आप एंजॉय करो ये ब्यूटी का। एंड नो डाउट, साकार कितने दिनों बाद आए हैं हॉस्टल फिर से? हम करीब डेढ़ साल बाद, दो डेढ़ साल है, ढाई साल बाद, ढाई साल बाद आए हैं। अच्छा, मज़ा आ रहा है ना? अरे बहुत मज़ा आ रहा है। तभी तो मैं सोचा कि इन लोगों को भी दिखाऊं। एंड ये रहा, ये हम लोगों का हॉस्टल है। एंड गाइस, जस्ट एंजॉय द ब्यूटी। मौसम होता फिर आके रहने का मज़ा ही दुगना हो जाता है। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आए तो ऐसा लगा ना कि 2.5 ईयर के बाद कुछ मतलब जन्नत टाइप में आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जन्नत है। आप देखिए, आगे चल के देखिएगा, आपको दिखेगा एकदम शानदार नज़ारा। ओहो, पेड़ पौधा भी है सब, पेड़ पौधा के लिए ही तो फेमस है। सबसे बड़ा बात यह है ना कि यहाँ पे बादल हमेशा ही होता है, मतलब ऊपर नीचे हर जगह बादल, बादल ही बादल। एंड गाइस, नाउ यू कैन सी, ये जो आसपास का पहाड़ है ना, वहाँ भी बादल, उसके ऊपर भी बादल, उसके नीचे भी बादल, उसके चारों तरफ बादल, मतलब बादल ही बादल। यहाँ आपको वादी और बादलों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। सही, एकदम मानसिक सुकून और शांति का, एकदम सही। और मुझे नहीं याद है कि लास्ट टाइम आप लोग 3 दिन से 4 दिन से यहाँ पे हैं, कभी धूप आया होगा? धूप तो बिल्कुल ही नहीं होता है, इतना बादल रहे हैं। एंड ये आसपास में कुछ बच्चे हैं, खेल रहे हैं। एंड ये सामने का व्यू है हम लोगों के हॉस्टल का। एंड गाइज, जस्ट इंजॉय दिस सीन। और रात को तो और गजब लगता है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो गाइज, ये रहा रात का व्यू हॉस्टल से। एंड सारा जो शहर है ना, दिवाली की तरह जगमगा रहा है। जस्ट ये जो एक के ऊपर एक लेयर से बना हुआ है ना, उसकी वजह से ये और भी खूबसूरत लग रहा है। जस्ट कभी कभी क्या होता है ना कि पूरा ही कोहरा भर जाता है। एंड जब भी कोहरा भरता है ना, अपने साथ पानी लेके आता है और बारिश होता है एकदम झमाझम। एंड जस्ट थोड़ा देर पहले हुआ था और मौसम थोड़ा क्लियर हुआ है, तभी हम ये वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। और ये सामने में कोई बिल्डिंग बन रहा है, पता नहीं। एंड और आप अगर सामने उधर फोकस करेंगे ना, तो वहाँ से क्या बादल आप उठता हुआ देख भी सकते हैं थोड़ी देर में। देखो देखो ना, अभी आप देख लो ना, ये बादल उठना शुरू हो गया, थोड़ी देर में ये पूरा एरिया ढक देगा। सही बात है, तो अलग ही लेवल का है सब कुछ। तो गाइज, नेक्स्ट चलते हैं इस साइड की तरफ। ये साइड वाला एरिया है, ये हॉस्टल के पीछे वाले साइड से दिखता है अच्छे से, तो मैं कोशिश करूँगा वो भी शेयर करने का किसी के रूम में जा कर के, जो जिस रूम से वो अच्छे से कवर हो पाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज, ये तो ये हम लोगों के हॉस्टल के सामने वाला रोड है। एंड इधर से ही हम लोग को क्लास जाना होता है एंड जो भी कुछ करना होता है। और सबसे पहले आप ये बताओ, ये कितना ऊपर है, कितना मीटर होगा ऊपर? ये जनरल जो एक आइजोल का लेवल है, उसे कितना ऊपर होगा? ये एक अलग ही पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर पहाड़ टाइप बना। हाँ, तो ये हाँ हाँ, तो ये बहुत ही ऊपर है। एंड यहाँ के बच्चे को ना, वैसे तो जिम जाना सबको पसंद है आजकल के जनरेशन के बच्चे को, लेकिन किसी को कुछ करने का जरूरत नहीं है। जस्ट दो बार नीचे उतरना है एंड दो बार चढ़ना है, जस्ट उतना करना है एंड सब कवर अप हो जाएगा, सब एक्सरसाइज हो जाएगा। सो गाइज, यहाँ पर कुछ आस पास में घर भी है। एंड जस्ट सी, इंजॉय द ब्यूटी। आप देखो चारों तरफ पेड़ पौधा, हरियाली, वो जो होता है ना मौसम, मतलब बहुत ही अच्छा है। और ताज़ी हवा से ना यहाँ पे रहने का एकदम एक्सपीरियंस भी बहुत मस्त हो जाता है। सही बात है। गाइस, आप देख सकते हो ये यहाँ पे एक ऑटो आ रहा है। एंड कितना ज़्यादा यहाँ पे वो हो रहा है, ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ से आ रहे हैं, शायद ये लोग मार्केट गए होंगे। एंड
ये जो है ना, यहाँ से बस ऊपर जाता है या ऑटो जाता है या टैक्सी जाता है, सबका हालत ख़राब हो जाता है। सेम आदमी के साथ भी होता है, आप उतरते समय तो बहुत अच्छे से नीचे चले जाओगे, लेकिन जब आप इसके ऊपर चढ़ोगे ना तो आपको मतलब पता चल जाएगा क्या होता है, तब आपको पता आएगा अच्छा इतना जो अच्छा एटमोसफेयर का मज़ा ले रहे हो उसका क्या मतलब चुकाना पड़ता है। तो मतलब बहुत ही नीचे है ये, एंड आप देख सकते हो गाइस ये ऑलरेडी हम लोग इतना नीचे उतरे हैं एंड फिर से इतना नीचे जाना है। यहाँ से कॉलेज जाने तक का रास्ता पूरा हरियाली भरा है और आपको पूरे रास्ते में नजर ना कहीं। हाँ हाँ एकदम एकदम नो डाउट पूरा हरियाली है, बस अपन को इन लोगों को यहाँ से लेकर के जस्ट कोशिश करेंगे हरे कृष्ण मंदिर है, ये कौन सा मंदिर, BSF कैंप के अंदर एक मंदिर है, वहाँ पर भोला बाबा हैं, वहाँ तक जाएँगे हम लोग एंड आप लोगों को दिखाएंगे इस, जस्ट आप लोग इंजॉय करें ब्यूटी का, मतलब शानदार ब्यूटी है गाइस। मेरे पास जस्ट DSLR नहीं है, नहीं तो मैं ऐसा वीडियो बना सकता था ना कि जो आप मूवी में देखते हो ना, बस आप इमेजिन कर लो। आप लोगों का प्यार रहे तो हम वो भी कर लेंगे। हाँ एकदम एकदम सही सही बात है, आप लोग जस्ट चैनल को सपोर्ट करें वो भी करेंगे हम आपके लिए, एंड अभी के लिए तो आप मौसम का एंजॉय करें एंड जब भी आपको कभी टाइम मिले तो आप आइजोल ज़रूर विज़िट करें। हम लोग ऊपर से नीचे आ चुके हैं एंड ये प्लेन वाला रास्ता है एंड अब कुछ देर प्लेन है क्या सकर? हाँ, कुछ थोड़ी देर प्लेन रहेगा। हाँ एंड ये फिर इधर आप देख सकते हो वादियों वाला गाना आप लोगों को याद आ रहा होगा ना, जस्ट एक बार सुन लेना इस वीडियो के बाद। और ये आसपास का बिल्डिंग हो गया। फ्रेंड्स हैं अभी जस्ट मार्केट से आए हैं। हेलो शुक्ला जी, हाय। अरे साकार चलो यार, तो उन लोगों के साथ कहाँ चले गए, थोड़ा चलते हैं ना। हर्षित हाय, ये सारे अभी आए हैं, बहुत दिनों के बाद हॉस्टल में आए हैं ना, तो ये सिंपल सा बात है कि हम लोगों को बहुत सारा सामान लाना होगा बाहर से, तो सारे बच्चे अभी मार्केटिंग ही कर रहे हैं, क्लास तो जस्ट अभी एक दो चल रहा है एंड जस्ट सी गाइज द ब्यूटी ऑफ आइजोल। और ये BSF कैंप है ये जस्ट नीचे एंड ये भी कुछ आपको अजीब ही लग रहा होगा इसका आकार। यदि आप नॉर्थ साइड से होंगे तो अब तो बिल्कुल ही अजीब लग रहा है जैसे हमें लग रहा है, नहीं आप भी ऐसे एरिया से बिलोंग कर रहे होंगे तब तो आप बोल रहे होंगे भाई काहे बना रहा है ये सब, हम तो सब कुछ देखे ही हुए हैं। एंड ये देखेगा इस घर। अच्छा सरकार, आपको यहाँ पर सबसे अच्छा क्या लगता है यहाँ पे? दो चीज़, एक तो लोगों का शांत बिहेवियर, पीसफुल बहुत है यहाँ पे और सफाई एकदम बढ़िया से रखता है। आप यहाँ पर नाली वगैरह भी देख लीजिए ना, रोड देख लीजिए, आपको कचरा बिल्कुल नहीं मिलेगा। नो डाउट गाइज, यदि कहीं कचरा आपको दिख रहा है ना तो वो मान लीजिए कि उसके आसपास घर नहीं है, यदि घर है और उसके आसपास कचरा है ना तो सबसे पहले तो आपको यहाँ कचरा फेंकना अलाउ नहीं है, यदि गलती से कोई फेंक देता है तो जो यहाँ का रेसिडेंशियल है ना वो लोग खुद ही उसको उठा के वहाँ जो कूड़ादानी होता है ना उसमें डाल देते हैं, तो ये शहर तो बहुत साफ सुथरा है। नो डाउट मौसम, शहर, शांति, इन सब मामलों में बहुत अच्छा है। और ये सबसे अच्छा है ना, ये हम लोग को सबसे अच्छा क्या लगता है ना, ये जो आसमान नीचे में चलता रहता है ना इधर से उधर और अपने साथ ठंडी हवा लेकर आता है, वो तो मतलब भाई अलग मज़ा देता है, अलग नेक्स्ट लेवल का मज़ा देता है। यहाँ का मौसम है अनप्रेडिक्टेबल। हाँ एकदम राइट, आज क्या हुआ था अपने लोग क्लास गए थे एंड बारिश स्टार्ट हो गया एकदम से, दो मिनट पहले एकदम बढ़िया धूप निकली हुई और अगले मिनट एकदम बारिश झमाझम वाली बारिश हो गई। मतलब ये है ना कि छाता लेके हमेशा चलना होगा यदि आपको भीगना नहीं है तो, छाता तो चाहिए। एंड गाइज आप देखिए यहाँ पे घर कैसे होते हैं एक के ऊपर एक, मतलब थोड़ा तो लगता है यार ये कैसे टिका हुआ है एक के ऊपर एक, लेकिन मानना पड़ेगा इन लोगों की कलाकारी को, बहुत ही अलग लेवल का घर भी बनाते हैं एंड इसी वजह से नाइट का जो व्यू होता है ना बहुत ही तगड़ा होता है। ये देखिए आप कितना तगड़ा व्यू है, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ आपको अच्छा लगाने के लिए, अदरवाइज मैं क्यों इधर घूम के वीडियो बनाता। एंड गाइज एंजॉय इट, जस्ट सी हाउ मच ब्यूटीफुल दिस टाउन इज। तो हम लोग वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ, आई थिंक कि आसपास का जितना कुछ था हम आपको ऑलरेडी दिखा दिए हैं, कवर अप हो चुका है, और कुछ है तो हम दिखाते रहेंगे टाइम टू टाइम। एक आपको टाइम लैप्स दिखाएंगे हम यहाँ का। हाँ हाँ हाँ, वो जस्ट साकार कुछ देर पहले कैप्चर किया है।
कभी भी कभी भी हो जाता है। हाँ, लैंडस्लाइड भी यहाँ पे ना होता रहता है, और ये तो आप जानते ही होंगे कि पहाड़ी एरिया में ये एक प्रॉब्लम है लैंडस्लाइड का होना। ये सारा बीएसएफ कैंप के अंदर ही आता है। ये देखो कितना ऊंचा चोटी है, एंड वो जो चोटी दिख रहा है ना सबसे ऊपर, शायद वही हॉस्टल है हम लोगों का, उधर ही आसपास में, मतलब उतना ही कुछ है। तो इतना ऊपर मुझे फिर से वापस चढ़ना है, एंड आई सी दी होम्स। और सरकार और कुछ बताइए ऑडियंस को। और सबसे बड़ी बात यह है कि आइजोल इतना ज़्यादा लोगों में पॉपुलर नहीं है ना, तो उस वजह से क्या सिटी एकदम हिडन जूवल की तरह, एकदम हिडन ट्रीजर बोल सकते हैं अपन लोग इसे। हाँ, और शायद वही वजह है कि इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो यहाँ पे क्या ये सब हो पाता है, इतना पीसफुल स्टेट, एकदम शांत एरिया, साफ एरिया। सही आप बाकी दूसरी जगह का देखेंगे जो इतना पॉपुलर है, मतलब जो रहता है घूमने वाला सिटी टूरिस्ट स्पॉट, वहाँ पे क्या कचरा हो जाता है, लोग ज़्यादा रहता है या करता है। पर यहाँ आइए, यहाँ पीपल भी एकदम आपको अच्छा मिलेगा, और उसके साथ में आपको मौसम भी एकदम शानदार मिलेगा, उसका तो आप देखने आना चाहिए। हाँ, सही बात है। एंड अपन लोगों को भी कुछ पता नहीं था, हम लोग जब फर्स्ट टाइम आए तो हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था ये जगह। हाँ, सही बात है। अब सबसे बड़ा सरप्राइज ये मौसम है, और सब कुछ तो ठीक है यार, पहाड़ भी देख ही लेते हैं फ़ोन में भी, लेकिन ये गर्मी के टाइम में जहाँ अपने लोग झेल रहे थे कुछ दिन पहले गर्मी, ये मतलब ठंडी का लगना, तो थोड़ा मज़ा तो आता है। गाइस, फाइनली हम लोग मंदिर में आ चुके हैं बीएसएफ कैंप के अंदर। यहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी पहले ही आए थे, तो जस्ट आप मंदिर का नज़ारा देखें। ये हम लोगों के वापस चढ़ने का टाइम आ चुका है। आप देखिएगा 20 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। एकदम नो डाउट, चढ़ने में बहुत खराब हो जाता है। और ये ऐसा है कि जस्ट ऐसा सोच सकते हैं ना, वो जो हाइपोटेनस होता है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल में बिल्कुल कुछ ऐसा ही है, जस्ट उससे थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि उतना नहीं है, लेकिन हाँ वो ऐसा ही कुछ है। जैसे मैं मज़े से आ रहा था ना नीचे से ये बोलते हुए कि ये देखो वो देखो, वो मज़ा मुझे आ रहा है, अब मुझे चला ही नहीं जा रहा है। एंड गाइस, आप हम लोग का चेहरा देख सकते हैं, ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर। इसी वजह से हम बोले थे कि एक्सरसाइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा पसीना निकाल देता है यार इतना ठंडा मौसम है फिर भी। तो फाइनली वी आर हियर। Guys, hope you enjoyed this video, and thank you Sarkar for being part of this video. And guys, milte hain apne next video mein bahut hi jald. For now, just subscribe this channel and stay tuned with me. Thank you guys. Bye bye. Take care. See you soon.